2 दिसंबर 2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब एंटीजन टेस्टिंग और अन्य लैबों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 14 लोग ही जिनका इलाज चल रहा था, स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। आज जो पॉजिटिव आए हैं उनकी डिटेल आपको बता देता हूँ। पहले जो हैं 29 वर्षीय पुरुष तिला बुजुर्ग सागर, इसके अलावा दूसरी 16 वर्षीय बालिका राजमंदिर मर्दनपुर राहतगढ़, 45 वर्षीय महिला ये भी मर्दनपुर राहतगढ़, 58 वर्षीय महिला गोपालगंज जैन मंदिर के पास, 60 वर्षीय पुरुष मकरूनिया 10वीं बटालियन, 52 वर्षीय पुरुष वर्धमान कॉलोनी, 75 वर्षीय महिला रेहली बिलवानी मोहल्ला, 66 वर्षीय पुरुष कटरावाड़ बीना, 67 वर्षीय पुरुष वर्णी कॉलोनी सागर, 50 वर्षीय पुरुष रविदास वार्ड, 48 वर्षीय महिला रविदास वार्ड, 67 वर्षीय महिला पंतनगर अरिहंत कॉलोनी, 60 वर्षीय महिला बड़ा बाजार एवं आखिर में 52 वर्षीय महिला बसंत विहार कॉलोनी सागर। तो आज का यही अपडेट है, सावधानी बनाए रखें।